लोहड़ी पर्व के दिन मौसम के चलते पड़े खलल के कारण बाजारों में रौनक गायब रही है, जिस कारण दुकानदारों को मंदी का सामना करना पड़ा है। हमीरपुर में सुबह के समय कुछ लोगों ने लोहड़ी की खरीदारी की है, लेकिन दोपहर के समय शुरू हुई तेज बारिश के चलते लोग घरों में ठंड की वजह से भी दुबक कर रह गए हैं। बारिश के कारण लोहड़ी के लिए सजाई गई दुकानों को भी आनन फानन में दुकानदारों को समेटना पड़ा है। हमीरपुर बाजार में ऊपरी बाजार से निचले बाजार तक काफी जगहों पर लोहड़ी के लिए दुकानदारों ने विशेष सजावट की थी, लेकिन बारिश के कारण सजावट धरी की धरी रह गई और बारिश के चलते सारा सामान समेटना पड़ा है। सुंदरनगर मनु कुमार और शर्मिला शर्मा ने बताया कि इस बार लोहड़ी के दिन कई सालों बाद बारिश हुई है और बारिश के कारण लोहड़ी के दिन कम खरीदारी हो रही है, जिस कारण मंदी झेलनी पड़ रही है। वहीं एक युवा अंकुश ने बताया कि लोहड़ी के दिन बारिश के चलते काफी लुत्फ उठा रहे हैं और ऐसा मौसम कई सालों बाद आया है, जिसके चलते त्योहार वाले दिन वह पूरा मजा ले रहे हैं। इस बार की लोहड़ी कैसी है? इस बार की लोहड़ी बाकी सालों की अपेक्षा थोड़ी सी मंदी है, क्योंकि बारिश की वजह से। बाकी तो खुशियों का त्यौहार है, वैसे तो चल ही रहा है जैसे हर साल होता है, लेकिन थोड़ा सा बारिश की वजह से थोड़ा सा खलल पड़ रहा है दुकानदारी में। और इस बार लोहड़ी बहुत ही मंदी चल रही है बारिश की वजह से, मौसम की वजह से। और वैसे बहुत अच्छा त्यौहार है, चलने वाला त्यौहार था, पर कुछ बारिश और इस मौसम की वजह से थोड़ी सी बाधाएं आ रही है, बाकी तो बढ़िया है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से एसिंग की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।